अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोड का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अगर हम वर्टीब्रेट्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं, हार्ट आता है, ठीक है, जिससे जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो आर्थ्रोपोड का सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये रिलेटिवली सिंपल है। क्या है आर्थ्रोपोड का सर्कुलेटरी सिस्टम? सिंपल है। इसके अंदर क्या है, सीरीज ऑफ साइनसिस या कैविटीज प्रेजेंट है। सीरीज ऑफ साइनसिस या कैविटीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। साइनसिस और कैविटीज को हम कह देते हैं कि ये हीमोसील है, ठीक है। साइनसिस और कैविटीज को क्या कह देते हैं? हीमोसील है। और हीमोसील के जो अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसे हम कह देते हैं कि ये हेमोलिम्फ है। साइनसिस और कैविटीज है, साइनसिस और कैविटीज का नाम हमने हेमोसील रख दिया। हेमोसील के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसे कहते हैं हेमोलिम्फ, और इसे जो है वो सेपरेट किया हुआ है। अब ये जो हेमोसील है ना, जो साइनसिस और कैविटीज है, इन्हें जो है वो सेपरेट किया हुआ है मस्कुलर सेप्टा ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोड के अंदर हार्ट के इक्विवेलेंट जो चीज प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कि डॉर्सल वेसल प्रेजेंट है। हार्ट के इक्विवेलेंट क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल वेसल प्रेजेंट है। डॉर्सल वेसल जो है वो वेरी करती है लेंथ और पोजीशन में, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट हो सकती है, फिर पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। डॉर्सल वेसल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है वो एक वाइड ट्यूब होती है। वाइड ट्यूब के अंदर वन और मोर चैम्बर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। डॉर्सल वेसल एक वाइड ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर एक या इससे ज्यादा चैम्बर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद ये जो डॉर्सल वेसल है इसके अंदर परफोरेशंस है। परफोरेशंस क्या है कि इसके अंदर थोड़ी लेटरल ओपनिंग्स का पेयर है। परफोरेशंस हैं यानी लेटरल ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स को हम कह देते हैं कि वो है ओस्टिया। डॉर्सल वेसल के अंदर परफोरेशंस है। परफोरेशंस किस फॉर्म में? लेटरल ओपनिंग्स की फॉर्म में। लेटरल ओपनिंग्स को हम क्या कह देते हैं कि ओस्टिया है। ओस्टिया जो है वो वन वे फ्लो कराती है हेमोलिम्फ का इनटू द डॉर्सल वेसल, यानी टू वे फ्लो नहीं है। ओस्टिया के अंदर ओनली वन वे फ्लो है हेमोलिम्फ का इनटू द डॉर्सल वेसल। इसके बाद हम डॉर्सल वेसल की बात करें तो ये जो है वो पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? पेरिकार्डियल साइनस के अंदर प्रेजेंट होगी। डॉर्सल वेसल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके अंदर क्या है कि वन और मोर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो डॉर्सल वेसल है वो हेमोलिम्फ को पंप करती है हमारे अंदर हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड को। तो आर्थ्रोपोड के अंदर डॉर्सल वेसल जो है वो पंप कर रही है हेमोलिम्फ को, यानी आर्थ्रोपोड के ब्लड को। अब डॉर्सल वेसल जो है वो पंप कर रही है हेमोलिम्फ को टुवर्ड्स द हेड, हेड की तरफ भी पंप करेगी, और डिफरेंट जो साइनसेस है हेमोसील के उनके अंदर भी जो है वो पंप करेगी, और इस तरह आगे जो है वो सारे टिश्यूज जो है वो बात हो जाएंगे डायरेक्टली इस हेमोलिम्फ से, ठीक है। अब हेमोलिम्फ को डॉर्सल वेसल ने पंप कर दिया हेड की तरफ भी और दूसरे हेमोसील के थ्रू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स टिश्यूज में भी। तो हेमोलिम्फ जो है वो फिर पंप होने के बाद दोबारा इसने रिटर्न भी तो कर लें, तो ये दोबारा जो है वो परलोकेट करता है, परकोलेट करता है बैक थ्रू द हेमोसील। हेमोसील से होता हुआ पेरिकार्डियल साइनस में आता है। पेरिकार्डियल साइनस के अंदर इसको अगेन जो है वो अंटिल इसको जो है वो पिकअप कर लेती है डॉर्सल वेसल। यानी पहले डॉर्सल वेसल ने पंप किया हेमोलिम्फ को टुवर्ड्स द हेड, और इवेंचुअली ये जो है वो सारे हेमोसील के साइनसेस में चला गया और सारे टिश्यूज को इसने बात कर दिया। इसके बाद हेमोलिम्फ जब रिटर्न बैक हुआ तो हेमोसील के थ्रू होता हुआ ये पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा, और पेरिकार्डियल साइनस में से दोबारा जो है वो डॉर्सल वेसल पिक कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइट्स की बात करें तो उनके अंदर रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। माइट्स के अंदर रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ ऑनली अ फ्यू सीरीज ऑफ जो है वो ये कैविटीज या साइनसेस प्रेजेंट होते हैं हेमोसील की फॉर्म में, ठीक है। इनका जो है रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनकी जो सर्कुलेशन हो रही होती है वो बॉडी मसल्स के थ्रू, बॉडी मसल्स की कंट्रक्शन के थ्रू जो है वो इनकी सर्कुलेशन फिर हो रही होती है माइट्स के अंदर, ठीक है।